हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज बैसाख माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज दर्श अमावस्या है, जिसे दर्शन अमावस्या, श्राद्ध की अमावस्या या बैसाख अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या के एक दिन पहले दर्श अमावस्या मनाई जाती है, जिसे छोटी अमावस्या भी कहते हैं। प्रिय भक्तगणों, स्नान दान अमावस्या के समान ही इसका बड़ा भारी महत्व होता है। भले ही इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, लेकिन इस दिन सच्चे मन से चंद्रदेव की पूजा आराधना करने से जल्द ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा दर्श अमावस्या के दिन पितृलोक धरती पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए विशेष रूप से दर्श अमावस्या के दिन पितरों के लिए पूजा पाठ तर्पण कथा का श्रवण किया जाता है। पुराणों के अनुसार श्राद्ध की अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त जो व्यक्ति शुद्ध मन से अपने सुख संपन्न जीवन के लिए प्रार्थना करता है एवं दर्श अमावस्या के महात्म कथा को सुनता या पढ़ता है, तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। धनहीन को धन प्राप्त होता है, निसंतान को संतान, रोगी को सुंदर निरोगी काया, अकाल मृत्यु नहीं होती और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या है। तो आज मैं सुना रही हूँ दर्श अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक पूर्ण व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कोई भी पौराणिक कथा को आधे पर ही छोड़ने से दोष लगता है, तो इसे पूरा सुने। दर्श अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोम सरोवर पर रहा करती थीं। उसमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अच्छोदा रखा गया। अच्छोदा बचपन से ही अपने माता की देख रेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों में ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अच्छोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्रेम पाकर अच्छोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अच्छोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृ भक्ति के कारण अच्छोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम से अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। वही दर्श अमावस्या के अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, धर्मवर्ण नाम के एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास किया करते थे। वह ऋषि मुनियों का आदर करते थे और उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी कार्य में नहीं है, अतः अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिलता है। अब धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत ही कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे सन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर बैसाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई।
इसी के चलते पितरों के आशीर्वाद से वे धन्य धान से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय भक्तगणों, ये दर्श अमावस्या अमर सुहाग को भी देने वाली मानी जाती है। इसके अनुसार एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां मंदिर जाकर शिव जी की पूजा अर्चना किया करती थीं। वे हर दर्श अमावस्या के दिन दीपक लगाती और कहानी सुनती थीं। 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जलता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लौ देता था और जल्दी ही बुझ जाता था। वह घर आकर माँ को कहती कि माँ, चारों बहनों का दिया तो अच्छी लौ देता है और बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है कि अब से तुम घी ज्यादा डालना तो तुम्हारा दिया भी बहुत देर तक जलेगा। अब थोड़ा समय बीत गया, ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। 4 बेटियों के यहाँ घर में बहुत धन था, लेकिन एक के घर में बहुत ही गरीबी थी। 1 टका लाते वह उसी से खाते। फिर भी 5वीं बेटी संतुष्ट थी। एक दिन पति को बुखार आ गया, इस कारण वह कुछ कमाकर नहीं ला सका। वह बोली, कोई बात नहीं, जितना है उसी से काम चला लेंगे। अब दूसरे दिन पति बुखार में काम करने के लिए जाने लगा। तब उसने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों काम करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पति को तेज बुखार आ गया और उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उस घने जंगल में वह बिल्कुल अकेली थी। वह सोचने लगी, घर अकेली ले जा नहीं सकती और यहाँ छोड़कर जाऊं तो उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। तो वह पति के सिर को अपनी गोद में रखकर बिलाप करने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी पार्वती जी से बोले, देखो देवी, इसके साथ कितना बुरा हुआ। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब उन्होंने उसके पास जाकर हाल चाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल सुनकर शिव जी बोले, हे पुत्री, इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया है। तब बेटी बोली, मैं तो नहीं जाऊंगी, और यह कहकर रोने लगी। अब शिव जी को दया आ गई और बोले, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। उस कन्या ने हाँ कहा। तब शिव जी बोले, तुमने दर्श अमावस्या के दिन दिया तो लगाया पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। तब बेटी शिव जी के पैर पकड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहेंगे सब करूंगी। शिव जी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेता बैठ गया और बोला, मुझे बहुत नींद आ गई। पत्नी बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी न आवे, चलो अपने घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है, दर्श अमावस्या की कथा सुनना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियां, 5 चूड़े, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस, श्रद्धा अनुसार सुहाग सामग्री व रुपए 5 कटोरों में रखकर मंदिर या ब्राह्मणों को देवें। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग सामग्री व रुपए ब्लाउज पीस महादेव के मंदिर में चढ़ावें व स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव के लिए ज्योत जलाती है और बचे हुए बाकी 4 कटोरे और सुहाग सामग्री बहन बेटियों और ब्राह्मणों को उसने दान दिया। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। इस प्रकार उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए अब आइए सुनते हैं अच्छोदा के उद्धार की कथा। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और वहिष्पाद अपने अन्य पितृगणों अमावासु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वही अति तेजस्वी पितृ अमावासु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावासु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण
आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितर क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। प्रिय भक्तगणों, अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि वह अमावस्या की तिथि अमावासु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए एवं केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि श्राद्ध की अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। प्रिय भक्तगणों, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंश भूत शांतनु की पत्नी हुई और दो पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांग का श्राद्ध मनाया जाता है। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इसी वैशाख स्नान से संबंधित एक कथा है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक पति पत्नी थे, सूखी लकड़ियों को बेचकर पेट भरा करते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी वैशाख नहाने लगी और वह लकड़हारा रोज लकड़ी का गट्ठर लाता और पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और वैशाख नहाने जाती। वैशाख नहाने के बाद आंवला पीपल और तुलसी को सींचती। ऐसा करते हुए एक महीना हो गया। एक दिन लकड़हारा अपने घर नहीं था तो लकड़हारा की पत्नी ने एक एक बची हुई लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने गई, भगवान का नाम लिया और उस लकड़ी को लेकर चल दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना कहते ही लकड़ियां चंदन की हो गईं। जब वह लकड़हारे की पत्नी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई तो राजा ने लकड़ियों का कीमत पूछवाया। उसने कहा कि क्या लोगी, तो वो बोली जितना आप चाहें दे दें, पर मुझे तो ब्राह्मण को भोजन खिलाना है, उनको दान पुण्य करना है, इतना ही सामान मुझे चाहिए। अब राजा नौकर के हाथ 5 ब्राह्मण के भोजन जितना सामान उसके घर भिजवा दिया और इस तरह से लकड़हारे की पत्नी ने दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को खिलाया और दक्षिणा दी तथा उन ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया। इधर लकड़हारा जब लकड़ी का गट्ठर बेचने के लिए गया था तो उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी, इससे उसे देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, अरे तुम तो लकड़ियां बेच रहे हो, तुम्हारी स्त्री स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है, उन्हें दान दक्षिणा देती है। इतने में ही लकड़हारे की पत्नी आ गई। पति से बोली, अजी यही आपका घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा और तुलसी को भी जल दिया, उनका पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गईं और मैं उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा, मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, उसने ब्राह्मण खिलाने इतना दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने भोजन करके आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबकी भरना, खोटी की खरी
अधूरी की पूरी जानना। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं सभी दुख दारिद्र तथा सुख समृद्धि देने वाली भगवान विष्णु को प्रिय यह दुर्लभ कथा। इसे सुनने के बाद ही व्रत कथा पुण्य मानी जाती है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकी नाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड और बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। प्रिय भक्तों, उसी समय नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी ही उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। प्रभु कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे देवी, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं, जिसका त्रिपत्र यानी तीन पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया था, इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाने शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई, वह भगवान विष्णु की सतत प्रिया हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्य देवी के प्रति जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उसने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि हे प्रभु, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्य देवी के लिए जो स्थान स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्य देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी बिल्व रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी माँ, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते, तीनों रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, छर माला वन माला गरुड़ माला धारी, प्रभु गरुड़ माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे, सनकादि गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, कर मध्ये कुशमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, जी तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।